का बड़ा खेल। ग्रहचाल से जुड़े परिवर्तन, अब के बाद सेहत कैसी रहेगी, बैंक बैलेंस में होगा कितना इजाफा, क्या संबंधों में बढ़ेगी नजदीकियां, क्या कुछ पाएंगे और क्या कुछ खोएंगे, कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे, अब की बार किस्मत देगी कितना साथ, अगस्त के 31 दिनों का भविष्यफल, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्मज्ञान के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्या कहता है आपका अगस्त माह का मासिक राशिफल 2023। हमेशा की तरह हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि वैदिक ज्योतिष के आधार पर जब जब ग्रह नक्षत्रों की चाल में बदलाव आता है तो वही बदलाव हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। हमारी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज में हमें परिवर्तन नजर आते हैं। और इस बार कौन सा परिवर्तन आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख सकता है, जानेंगे मैं जी से। शुरुआत करते हैं आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल के बारे में जानने की, बताइए। सिंह राशि वालों, अगर आपकी ग्रह स्थिति की बात करें इस समय, तो ये देखिए प्रथम भाव में ही आपके तीन तीन बड़े ग्रह विराजमान हैं, यानी कि मंगल, बुध और शुक्र जी। तीन ग्रहों की युति, तीन ग्रह योग आपके प्रथम भाव में बन रहे हैं। शुक्र जो है अभी यहीं पर उल्टी चाल चल रहे हैं, यानी कि वक्री अवस्था में है, तो ये प्लेसमेंट है। दूसरा भाव खाली, तीसरे भाव में आपके केतु है, चतुर्थ खाली, पंचम भाव में चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है दोपहर, मतलब कि 1 अगस्त दोपहर 12 बजे के बाद यहाँ पर मूवमेंट कर जाएंगे जी। और उसके बाद शनि सप्तम भाव में है, ये भी वक्री अवस्था में वर्तमान में चल रहे हैं, तो इसका भी एक अलग ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सातवां भाव खाली, आठवें भाव में गुरु राहु का चांडाल दोष है, नवम भाव खाली, दशम भाव खाली, और देखिए आपकी राशि के स्वामी जो है वो सूर्य जो है 12वें भाव में है, तो ये थोड़ा सा एक कमजोर कड़ी है कहीं ना कहीं। अगर माह की शुरुआत की बात करें जी, तो ग्रह स्थिति के अकॉर्डिंग जो है ये जो माह की शुरुआत है थोड़ा सा धीमी रहती हुई नजर आ रही है, और इशारा कर रही है कि थोड़ा संभल संभल के चलना होगा। बिल्कुल, और संभल संभल कर, जैसे कि मैं इंजीनियर कहा कि चलना होगा, लेकिन कहाँ कहाँ चलना पड़ेगा आगे जानते हैं। बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए सिंह राशि वालों, आपके कुंडली में छठे भाव का स्वामी जो है वो सप्तम भाव में वक्री अवस्था में है, और सूर्य जो है 12वें भाव में आ चुके हैं, 15 तारीख तक यहीं रहेंगे, फिर यहाँ प्लेसमेंट चेंज होगी, तो सेहत का इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। माह की शुरुआती 15 दिन अपनी सेहत का ध्यान रखें। जिन लोगों को हृदय संबंधी रोग हैं या बीपी की शिकायत रहती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उस तरह की समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर चलेंगे इस महीने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुरुआती 15 दिन ज़्यादा संभल कर चलने वाली बात है, उसके बाद से फिर चीज़ों में धीरे धीरे सुधार भी होगा, और हालात जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और बेहतर भी हो जाएंगे। मैं जब जानना चाहूँगी विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय कैसा रहने वाला, बाहर जाने की सोच रहे हैं, इनकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगस्त इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट साबित होगा? देखिए छात्रों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, और कहना चाहिए बुध जो है प्रथम भाव में है, तो प्रथम भाव हमारे शरीर का होता है जी, तो वहाँ अगर बुध बैठेंगे तो अच्छी प्लेसमेंट है ये छात्रों के लिए। शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। अब गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपकी पड़ रही है भाग्य स्थान पर, यानी कि गुरु पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं, और नवम दृष्टि से विद्या भाव को देख रहे हैं। मन पढ़ाई में निश्चित रूप से लगेगा, जो छात्र पढ़ना चाह रहे हैं, एजुकेशन लेनी है या कोई टेस्ट परीक्षा है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए मैं जिसे जाना आपकी हेल्थ को लेकर, स्टूडेंट्स के बारे में भी हमने बात कर ली है, बात करते हैं अब आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम प्रसंग क्या कहता है, आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ आगे कैसे बनने वाली है रिश्ते, जो आपका खूबसूरत सा जो रिश्ता है उसमें आप मिठास कितनी भरेगी ये जान लेते हैं। देखिए गृहस्थ जीवन में या लव लाइफ की स्थिति की बात करें तो पहले बात करते हैं प्रेम संबंध। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में चंद्रमा है, शुरुआत में अच्छी पोजिशन में है, लेकिन लगन स्थल जो शुक्र बुध है ये तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है आपकी, लेकिन यहाँ मंगल थोड़ा गड़बड़ करते हैं। शुक्र बुध और मंगल जब एक साथ बैठते हैं सिंह राशि में तो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं जी वैवाहिक जीवन को, यहाँ शनि भी विराजमान है, तो यहाँ कुछ ही समझिए शुभ और अशुभ योग की यहाँ युति हो रखी है। शनि मंगल का समसप्तक योग आपके गृहस्थ जीवन को परेशान करता है, जीवन साथी और आपके बीच में
या प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में कोई ना कोई मनमुटाव की स्थिति पैदा करता है। ये एग्रेशन को बढ़ाता है, यानी कि उग्र स्वभाव कर देगा जी, आपका भी रहेगा और आपके जीवन साथी का भी रहेगा। तो उस चीज से बचना चाहिए। कोई गलतफहमी हो वो मिल बैठ के प्रयास कर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगल शुक्र की युति गलत दिशा की ओर भटका सकती है। कहीं ना कहीं किसी और के साथ फ्लर्टबाजी करना, एक्स्ट्रा रिलेशन बनाना, उन सब चीज़ों की वृद्धि हो सकती है या मन में इस तरह के विचार आ सकते हैं, उस चीज़ से बचना चाहिए। अन्यथा तो वक्री शनि भी है, ये भी नुकसान कर देंगे, और मंगल शुक्र की युति आपको बदनामी भी दे सकती है आपके गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में, या आपके प्रेम संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। और कुछ मायनों में अगर आपको दशा भी खराब चल रही है तो आप एक्सपोज भी हो सकते हैं जी। तो थोड़ा संभल के चलें, संभल के चलेंगे तो प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। गलत संबंधों में, गलत संगति में जाने से बचें और विचारधारा अपनी बहुत सकारात्मक रखें। क्रोध की अधिकता से बचें, ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। तो फिर कोई बड़ी समस्या आपके ना प्रेम संबंध में रहेगी ना वैवाहिक जीवन में रहेगी। एक ईगो का भाव जो सिंह राशि वालों के अंदर आता है वो आपको निकाल के फेंकना पड़ेगा, अन्यथा तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि स्वाभिमान तो होना चाहिए लेकिन अभिमान नहीं। बिल्कुल। अब बात करते हैं आपके वर्क फ्रंट को लेकर। जी हाँ, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, वहां कितना अच्छा कर पाएंगे, सोच रहे हैं नए काम की, तो नए काम की नई शुरुआत क्या इसी महीने से आपको कर लेनी चाहिए? मैं जी से जानते हैं। काम कारोबार की स्थिति के लिए स्थितियां बड़ी पक्ष में है, शनि भी अच्छा लाभ देंगे बिजनेस में, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए जी। तो कहना चाहिए धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे, नौकरी व्यवसाय में सफलता मिलेगी, गुरु भी भाग्य स्थान पर है तो बहुत ही अच्छा है। और कुल मिला के गृह स्थिति आपके पक्ष में है, सूर्य जरूर कमजोर है माह की शुरुआत में, तो धीरे धीरे ये माह काम कारोबार नौकरी व्यवसाय में अच्छी सफलता दिलाएगा। 12 अगस्त के बाद ज्यादा आपका बेहतर समय है, नौकरी हो या बिजनेस हो या कोई भी काम कर रहे हैं वो तेजी से आगे बढ़ेगा। चलिए मैं जी, आर्थिक तौर पे आपने कहा ना कि काम कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा, काम कारोबार की यही रफ्तार इनके आर्थिक पक्ष को कितना मजबूत करेगी, सेविंग्स कितनी कर पाएंगे, जो इन्होंने सोचा है कि भाई अब तो अपना मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या वो समय इनका आगे आए जो गोल्डन पीरियड कहते हैं? देखिए फाइनेंशियली बात करें तो शनि और मंगल आमने सामने जरूर बैठे हैं, लेकिन ये धन लाभ के अच्छे योग बनाएंगे, आगे भी साथ देगा। बुध और शुक्र की युति ये संपूर्ण मास जैसे बनी रहेगी, तो ये आपके धन लाभ के लिए, धन संचय के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बुध आपके धन के कारक हैं और वो प्रथम भाव में बैठे हैं जी। तो ये बहुत अच्छा है। भाग्य स्थान में गुरु है तो भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, और गुरु जो है पंचम भाव को, पंचम दृष्टि से लगन भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य भी साथ देगा, सही फैसले भी होंगे, काम भी अच्छा रहेगा आपका। कर्म का स्वामी शुक्र भी केंद्र में है, ये भी अच्छी प्लेसमेंट है, और लाभ का स्वामी जो है बुध जो है वो भी लगन में बैठे हैं, भी फिर धन भाव में आएंगे, तो हर लिहाज से धन लाभ, धन संचय के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय है। इनके भाग्य के सितारे इनके फेवर में है। आपने कहा कि गुरु इनके भाग्य में बैठे, तो ऐसे में आप इनका भाग्य प्रतिशत कितना देंगे? देखिए इस महीने सूर्य कमजोर है तो भाग्य शुरुआती 15 दिन तो 60% रहेगा, लेकिन अंत के 15 दिन जो है 80-85% साथ देगा, तो ओवरऑल भाग्य काफी अच्छा रहेगा। जाते जाते आपसे एक छोटा सा उपाय इन लोगों के लिए जानना चाहिए। उपाय के तौर पर क्या करें, संपूर्ण मास में हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिदेव की आराधना करें, सूर्य को जल दें, उसमें थोड़ा सा लाल पुष्प और हल्दी डालें तो विशेष लाभ मिलेगा। एक चमत्कारिक मंत्र ओम आदित्याय नमः, इसका जाप डेली करें 108 बार, तो सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए तो ये थे मेरे साथ मयंक जी, जिनसे मैंने जाना सिंह राशि सिंह लगन वाले लोगों के लिए अगस्त की शुरुआत, अगस्त का पूरा महीना कैसा रहने वाला है और क्या कुछ आपको इस महीने मिलने वाला है। मुझे और मयंक जी को, दोनों को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।